कोविड-19 के कारण इंसान का दिमाग सिकुड़ सकता है। ये दावा ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि दिमाग पर पड़ने वाले इस असर को उन मरीजों में देखा गया जो कोरोना से संक्रमित तो हुए थे लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। कोविड के कारण मरीजों में दिखने वाला ये असर लंबे समय तक रहेगा। जाने संक्रमण के कारण दिमाग के सिकुड़ने से मरीज पर क्या असर पड़ेगा। रिसर्च कब और कैसे हुई, पहले इसे समझते हैं कि कोरोना वायरस दिमाग पर क्या असर छोड़ता है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 51 से 81 साल की उम्र के 785 लोगों के दिमाग की जांच की। रिसर्च में शामिल 401 मरीज ऐसे थे जिन्हें ब्रेन स्कैन के पहले या बीच में दोबारा कोरोना हुआ था। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के कुछ मरीजों में दिमाग के सिकुड़ने के सबूत भी मिले और ब्रेन की स्कैन रिपोर्ट में सामने आया कि कोरोना के मरीजों में औसतन 0.2% से 2% तक मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च उस दौर में की थी जब ब्रिटेन में अल्फा वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। ब्रेन के सिकुड़ने से मरीजों में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, अब इसे समझते हैं। इस मामले में वैज्ञानिकों का कहना है ऐसा होने पर मरीजों की सोचने समझने की क्षमता में गिरावट हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन का वो हिस्सा प्रभावित हो सकता है जो याददाश्त और इंसान को इमोशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले थे क्योंकि ब्रेन के डैमेज होने के कारण मरीज में सूंघने की क्षमता पर भी बुरा असर हुआ था। रिसर्च में साबित हुआ कि किस कदर कोरोना इंसान के दिमाग में डैमेज कर सकता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।